नीट पेपर से जुड़ा अपडेट अब आपको बता देते हैं। देखिए बयान आया है सीबीआई का नीट पेपर लीक में। नीट पेपर लीक की जांच अभी भी जारी है, सीबीआई ने कहा। बिहार पुलिस की ओर से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुल मिलाकर अभी तक 36 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ गिरफ्तारियां सीबीआई की टीम की ओर से की गई। नीट पेपर लीक में कई सबूत जुटाए गए हैं, सीबीआई का बयान। पेपर लीक मामले में 33 अलग अलग जगहों पर देश भर में अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई। नीट पेपर लीक में जांच सीबीआई की टीम कर रही है। सीबीआई का बयान आया है, इस पर सीबीआई की ओर से कहा जा रहा है कि कई अलग अलग राज्यों में 33 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, जांच अभी भी चल रही है। कई अहम सबूत जुटाए गए हैं अभी तक की पूरी जांच में। सुप्रीम कोर्ट की ओर से री एग्जाम को लेकर इनकार कर दिया गया है। री एग्जाम नहीं होगा, ये कोर्ट से क्लियर हो चुका है। काउंसलिंग की तैयारियां चल रही हैं और सीबीआई की जांच भी आगे बढ़ रही है। कुछ और गिरफ्तारियां अभी प्रमुख होना बाकी है, जिसमें से एक है संजीव मुखिया भी, जिस तक सीबीआई की टीम का पहुंचना भी बाकी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई की टीम की ओर से अलग अलग राज्यों से, उन सभी से पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। जांच की आंच अभी और लोगों तक पहुंच सकती है। कुछ गिरफ्तारियां होना बाकी है। पहले बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी। ईओयू की ओर से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब चूंकि सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई का बयान आया है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। रितेश मिश्रा इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। सीबीआई की ओर से खुद रितेश ही बयान आया है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। कुछ और कई बड़े नाम अभी भी हैं जिन तक पहुंचना सीबीआई की टीम का बाकी है। कहां तक पहुंची जांच? देखिए बिल्कुल, सीबीआई जो है अब उस पर सवाल उठने लगे थे कि एक महीना से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि 23 जून को पूरा मामला जो है ईओयू ने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया था पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और तब तक ईओयू ने तकरीबन 13 लोगों को बिहार में गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीबीआई को जांच 23 जून को सौंप दी गई थी। सीबीआई भी रिकॉर्ड टाइम में उसने काफी महत्वपूर्ण काम किया, कई सारे लोगों को उसने पकड़ा, कई लोगों पर उसने दबिश बनाई। और खुद देखिए कि सीबीआई ने बाकायदा ये बताया है सामने आकर कि उसने 33 रेड कंडक्ट की और पूरे देश में 36 लोगों को उसने अरेस्ट किया है और अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो सीबीआई ये इसलिए सामने आई क्योंकि बार बार सीबीआई पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ क्या कैसे पेपर लीक हो गया, कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। तो बाकायदा जो इंडिया न्यूज हम पहले दिन से कह रहे थे कि इसमें एनटीए के कुछ लोगों की संलिप्तता है, कुछ अन्य बड़े लोग हैं जो संजीव मुखिया को बचा रहे हैं। देखिए कि सीबीआई की टीम वो सामने बाकायदा उसने रिलीज जारी किया है और उसने बताया है कि जांच कहां तक पहुंची है, जांच अभी पूरी हुई है या नहीं हुई है, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो तमाम बातों का अब जिक्र कर दिया गया है। चलिए ठीक है रितेश, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।